देखिए आज वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया है, लेकिन राजद के विधायक मुकेश रोशन हाथों में झुंझुना लेकर विरोध कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुकेश रोशन आरजेडी के विधायक हैं और हाथ में झुंझुना लेकर के विरोध कर रहे हैं। और इस बार फिर से बजट में बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिला है। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और क्यों झुंझुना बजा रहे हैं ये भी पूछेंगे। विधायक जी, झुंझुना क्यों बजा रहे हैं? बिहार के युवाओं को फिर से छला गया है। बिहार के युवा आज टकटकी निगाहों से देख रहे थे कि बिहार के बजट में युवाओं के लिए रोजगार की बात कही जाएगी, लेकिन बिहार के युवाओं को ठग दिया गया फिर से। कई वर्षों से नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हैं 17 वर्षों से लगभग, और लोगों को निराशा हाथ लगा, आज फिर से झुंझुना थमा दिया गया है। बिहार के युवाओं कह रहे हैं बहुत कुछ है बिहार, कहाँ कुछ है? 19 लाख रोजगार की बात कहे थे 2020 के चुनाव में, कितने लोगों को रोजगार के लिए आज हम बताएं? और एक बात बताइए कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ? विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिहार का हर एक युवा नौजवान बेरोजगार पूछता है कि कब मिलेगा 19 लाख रोजगार, मिला बिहार बस झुंझुना। चलिए देखिए, आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन थे और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज आम बजट पेश किया है, और इसको लेकर के आज जब वो विधानसभा के सदन में बजट पेश कर रहे थे तो कहा कि बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ है इसमें, और एक बार फिर से सरकार ने उन बिहारियों के लिए सोचा है, लेकिन आरजेडी इसका विरोध कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन विधानसभा से हाथों में झुंझुना लेकर बाहर निकले और कहा कि बस बिहार को झुंझुना जो है वो थमाया गया है। झुंझुना बजा करके वो विधानसभा में आज विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष की पार्टियां लगातार ये सवाल उठा रही थी। भाई वीरेंद्र ने भी कहा था कि बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर से मुकेश रोशन ने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार के लोगों को सिर्फ ठगा गया है, हाथों में झुंझुना थमाया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बजट पेश किया और इस बजट को सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो बेहतर बजट से बजट पेश किया और इस बजट को सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो बेहतर बजट बजा लीजिए। हाँ आइए इधर जी। अरे जियो क्या है जी? आज बजट के नाम पर बिहार के लोगों के हाथ में झुंझुना थमा दिया गया। अच्छा, युवाओं को ना तो रोजगार मिला और न ही विशेष पैकेज का कोई घोषणा किया गया, न ही विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ बताया गया, बस हाथ में झुंझुना थमा दिया गया। पूरा बिहार के युवा नौजवान आज जो है फिर से उनको निराशा हाथ लगा है। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।